कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की एडगेट अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 13 को। बच्चों, इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, नीति के दोहे पाठ के अनुसार हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? तो हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए बच्चों? मधुर। मधुर मतलब मीठी एकदम, इस तरीके की के वो दूसरों को भी अच्छी लगे और उससे हमें भी आनंद मिले, इस तरीके की वाणी बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उसमें दोहा दिया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। तो इससे क्या अर्थ निकलता है बच्चों? हमें मधुर वाणी बोलना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुर। प्रश्न क्रमांक 2, ये बच्चों, किस तरह के पेड़ से रागीर को छाया नहीं मिलती? तो हमने वो दोहा पढ़ा था बच्चों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल आ गया थी दूर। तो वो जो बड़ा पेड़ है यानी खजूर का पेड़ है, उस पेड़ से कोई को भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ना तो किसी राहगीर को छाया मिलती उसे, ना ही उसके हम फल प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो बहुत ऊँचाई पर उसके फल लगते हैं और छाया भी नहीं होती। तो वो कौन सा पेड़ हो जाएगा बच्चों? खजूर का पेड़। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, ये है, हमें हमेशा ज्ञानी की बात सुनना चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें ये ज्ञानी जो रेखा में जो शब्द लिख रहा है उसका विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है बच्चों, तो इसका विलोम हो जाएगा बच्चों अज्ञानी। तो प्रश्न क्रमांक 4, ये है, बुरा चाहने वाले के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, जो हमारा बुरा चाहता है हमारा उसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो तो बुरा काम कर रहा है अपने लिए, यानी कांटे बो रहा है वो, उसको ईश्वर उसका हिसाब किताब उसके लिए कर देगा। लेकिन अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए भी अच्छा करेगा। तो इसका उत्तर ये होगा बच्चों, बुरा चाहने वाले के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5, रहीम ने छोटे के महत्व को किस प्रकार समझाया? तो रहीम जी ने बोला है कि हमें बड़ों को देखकर छोटों को कभी हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। जैसे कि हम है ना, सुई से कपड़े सिल सकते हैं लेकिन तलवार से नहीं सिल सकते, तलवार से सिर्फ कपड़े फटते हैं ना कि सिलते। ठीक है बच्चों, तो इसका अपन उत्तर लिख सकते हैं, रहीम ने छोटे के महत्व को समझाने के लिए बताया है, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं, उसी प्रकार छोटे व्यक्ति जहाँ काम आते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति नहीं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर को लिख सकते हैं। अब बच्चों, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं अपन, कि हमें सदाचारी और सदव्यवहारी क्यों होना चाहिए, विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें सदाचारी और सदव्यवहारी इसलिए होना चाहिए कि जब हम सदाचार या फिर सदव्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो हमारे साथ भी सदव्यवहार या फिर सदाचार होता है, हमारे साथ भी अच्छा होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार होता है, इस तरीके से। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, हमें सदाचारी और सदव्यवहारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होता है, और जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार होता है, मतलब जैसे को तैसा। अब बच्चों, हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है, तुलसीदास जी ने संत की तुलना किससे की है? तो तुलसीदास जी ने संत की तुलना फल देने वाले वृक्ष से की है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर हम फल देने वाले वृक्ष में पत्थर भी मारें तो बदले में हमें फल ही मिलेगा, जिस प्रकार से हम संत को कुछ भी बोलें लेकिन है ना, संत बदले में हमें अच्छी शिक्षा ही देगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने संत की तुलना फल देने वाले वृक्ष से की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, फल देने वाले वृक्ष। अब बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है इसका, जहाँ काम हमें कहाँ करें तलवार लगी नहीं है, पत्नी के संदर्भ में कहिए। गरीब आदमी या फिर छोटे आदमी काम आते हैं वहाँ बड़े काम, बड़े इंसान
सकता है, लेकिन अमीर आदमी नहीं करता, क्योंकि ना उसे अपने पैसे का घमंड होता है। तो इसका उत्तर अपन इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों। रहीम जी कहते हैं, हमें बड़ों को देखकर छोटों को हीन नहीं समझना चाहिए। हीन समझने का अर्थ यहाँ ये है बच्चों कि उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी बानी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है बच्चों। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ना ऐसी वाणी बोलिए, यानी कि ऐसी मधुर मीठी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, यानी कि हमारे मन को अच्छा लगे, औरन को शीतल करे, औरों को भी ये सुनने में अच्छी लगे, और आपो शीतल होए यानी कि हमें भी ये आनंद दे। तो इसका अपन भाव अर्थ इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा सुनने वाले के मन को तो बहुत सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रश्न का आखिरी, ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न था बच्चों। इस प्रकार से आपकी ये पाठ पूरा होता है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।